Good morning, students. Today we are gonna start chapter number 7, and chapter number 7 is Can You See the Pattern? So in this chapter, we will see यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है, ये लाइन में कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, फोटोज दिए हुए हैं, डिजाइन है. तो ये एक्चुअल डिजाइन है कि कैसे होना चाहिए इसे. अब इसे हाफ टर्न कर दिया तो ये उल्टा हो गया. देखो स्टूडेंट, इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो ये हाफ टर्न है. वापस से ये इमेज यहाँ पे है, यानी कि वापस हाफ टर्न हुआ तो ये ओरिजिनल अपने पिक्चर जैसा हो गया. अगेन हाफ टर्न में उल्टा और वापस हाफ टर्न पे ऐसा. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हमें, इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, डज इट लुक द सेम, तो हमें यह मालूम पड़ रहा था कि क्या हमें कंपेयर करना था, क्या इमेज, यानी कि अगर हम इसके बीच में मिरर रखेंगे तो जो इस साइड पे इमेज है वो हमें मिरर पे दिखेगा, यानी कि वो हाफ पार्ट इक्वल दिखेगा हमें. तो उसी तरीके से अब हमें यहाँ पे इसमें ये देखना है कि क्या ये कंटिन्यूअली एक मतलब सेम अमाउंट ऑफ जो उसका घूमने का जो ये है कि भाई यहाँ पे हाफ टर्न ले रहा है, जो टर्न है वो सेम है कि नहीं, वो हमें चेक करना है. देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल. ये ईशा की मम्मी बोल रही है. माई मदर मेड दिस पैटर्न. ओके, कोई आंटी है जो इसको, उस बच्ची को कुछ बोल रही है. तो ये बोलती है कि ये जो पैटर्न है ये इसकी मम्मी ने किया है. आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मी मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता. हाउ वॉज इट डिफरेंट? तो अब बता रही है कि ये जो है इसके ड्रेस पे हमें दिख रहा है, और नीचे जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो किया हुआ है ये कुर्ता पे था, यानी कि ये सेम डिजाइन को इस तरीके से कुर्ते पे बनाया गया था. तो अब इसमें क्या किया है, अब इसे हाफ टर्न की जगह पे 1/4 टर्न किया गया. ये कोन जो है टेढ़ा हो गया, फिर हाफ टर्न हुआ, फिर 3/4 हुआ, और फिर 4/4, यानी कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया. देखो फिर 1/4 टर्न लिया, फिर 2/4, फिर 3/4, और ऐसे कंटिन्यू चलता रहा. तो ये स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या हमें पैटर्न दिखता है इसमें, कुछ हमें वो जानना है. जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखो, टर्न्स एंड पैटर्न्स, तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि कैसे रिपीट हो रहा है, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि को कितना टर्न ले रहा है और उसके क्या रूल्स हैं. तो हम तीन रूल इसमें पढ़ेंगे. रूल नंबर 1 है रिपीट इट विद 1/4 टर्न, यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियस पेज पे देखा, अभी ये ओरिजिनल है, ये हाफ के जगह पे हाफ का भी हाफ टर्न हुआ है, यानी कि सिर्फ एक बार. अगर ये मान लो क्लॉक है तो ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, आपको स्टूडेंट्स मालूम है ना, सबसे पहले 12, फिर 3, फिर 6 और फिर 9. तो ये 12 से 3 की तरफ आया है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 1/4 टर्न. फिर 1/4 टर्न पे ये हो गया हाफ, फिर 1/4 टर्न पे हो गया ये 3/2 और 3/4, फिर लास्ट एक बार और टर्न हुआ तो ये हो गया ओरिजिनल इमेज, और फिर इसने टर्न लिया तो 1/4 वापस टर्न हो गया. दूसरा रूल है कि अब पहले हमने पहला रूल में क्या है, पहला रूल में है कि हम सिर्फ 1/4 टर्न लेंगे. सेकंड रूल में है कि हम हाफ टर्न लेंगे. हाफ टर्न माने देखो, ये ओरिजिनल इमेज है और ये जो फ्लावर है इस ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हाफ टर्न हो गया, ये यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा. फिर ये जो फ्लावर है ये वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, तो देखो ये हो गया हाफ हो जाएगा, हाफ टर्न, फिर वापस अपने आएगा तो हाफ टर्न. थर्ड रूल है कि हम 3/4 टर्न लें. 3/4 टर्न का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये फ्लावर जो है ये 1 टर्न में यहाँ पे आया, 2 टर्न में यहाँ पे आया, 3 टर्न में यहाँ पे आया, यानी ये जो इमेज है हम इसे लेंगे, यानी कि ये है ओरिजिनल इमेज, अब ये 1 टर्न, 2 टर्न और 3 टर्न, तो ये दो स्टेप को हम स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर जाएंगे. देखो ये और ये सेम है बिल्कुल. अब यहाँ से आप गिनो कि फिर से 1/3
सॉरी 3/4 कितना होगा, तो ये इस पोजीशन में आएगा तो होगा 1/4, फिर ये आएगा इस पोजीशन में तो हो जाएगा 2/4, यानी कि हाफ हो जाएगा, और फिर वापस आएगा नीचे, यानी कि ये जिस पोजीशन में है, सिंपली समझें, अगर जिस भी पोजीशन में है वहां से पहले हाफ टर्न ले लो, तो ये जो है इसका ठीक उल्टा इमेज हो जाएगा, ये वाला इमेज हो जाएगा, ये वाला हाफ टर्न पे इसका ये हो जाएगा, 2/4 आपका हो गया। अब आपको एक बार और टर्न करना है, तो ये वाला आपका इमेज आ गया, यानी कि 3/4 टर्न आपको लेना है। अब देखो ये है, इसे इन लोगों ने फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे, ओके। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब ये कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। स्टूडेंट्स मेरे पास अभी क्रेयॉन्स नहीं है, सो क्रेयॉन्स अभी लेके नहीं आया हूँ साथ में, सो कुछ इस टाइप का होगा और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब ये एन है, फिर जेड हो गया, यानी कि इसने एक बार रोटेट किया, फिर वापस रोटेट किया, तो एन, फिर ये जेड, और फिर ये एन, ओके एन हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखो इसने एक टर्न लिया, ये फिर ये वापिस, अब ये इमेज वापिस यहाँ रिपीट होगा, ये 1, ये 2, ये 3, वापिस 1 रिपीट होगा, फिर यहाँ 2 आएगा, यानी कि इमेज आपको ड्रॉ करना है, मैंने नंबर लिखा है स्टूडेंट्स, आपको ड्रॉ करना है। देखो ये है, फिर इसने 1/4 लिया, फिर 1/4 लिया, यानी कि अब ये वापिस से इसका हाफ आएगा, यानी कि ये जो है वो इधर आएगा, इधर इधर, और ये सर्कल कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा, और ये जो है डायग्राम ये यहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा, और फिर वापस ये रिपीट होगा, यहाँ पे ये वाला रिपीट होगा, एफ एफ, फिर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, अब ये अपोजिट होगा, इसका जस्ट जस्ट हाफ होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट्स आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद करना है, ये दो। देन स्टूडेंट्स वी हैव, देखो ये है, ओके ये कौन सा रूल है, ये है स्टूडेंट्स अपना रूल नंबर 1, 1/4 वाला स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स इसके कलर्स को फॉलो करो, कोई भी एक कलर ले लो, जैसे मैंने पिंक ले लिया, पिंक यहाँ पर था, ये 1 टर्न हुआ, 2 टर्न, फिर 3 टर्न होगा, फिर 4 टर्न, तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ये भी रूल नंबर 1 है, ये भी रूल नंबर 1 है। देन स्टूडेंट्स इसको देखो, इसने 1 टर्न लिया, 2 टर्न लिया, यानी कि ये हाफ है, यानी ये कौन सा रूल होगा अपना, हाफ वाला कौन सा रूल था स्टूडेंट्स, वापस देखो, हाफ वाला था रूल नंबर 2। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो ये 1 टर्न, देन 2 टर्न, देन 3 टर्न, अगेन फिर 4 टर्न, यानी कि रूल नंबर 1, ओके। देन आपको यहाँ पे रूल खुद इसका करना है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे आपको रूल बताना है, कौन सा रूल, ये कौन से पैटर्न का रूल, कौन सा रूल का पैटर्न है, मैजिक स्क्वायर, ओके। सो हियर वी हैव, लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स इन हेक्सागोन, ईच साइड हैज 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स, लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स, विच आर द सर्कल्स नेक्स्ट टू इट। तो स्टूडेंट्स हर स्क्वायर के बाद एक सर्कल है, ओके। नाउ 5 × 13, 65, कैन यू सी रूल कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, अगर आपको ये समझना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि 5 × 13 = 65, 5 × 14 = आपको ये सब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे हम हर नंबर को अगले नंबर से, तो हमें एक थोड़ा सा आगे जाके एक स्टेप हमें 5 नंबर्स का गैप दिखेगा, ओके। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स, आई थिंक वी विल मूव इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस एक्सरसाइज, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको ज़्यादा, इसको थोड़ा मैं सिंपल बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और इजी तरीके से, ताकि क्या यहाँ पे आपको
और समझ में आ सके कि कैसे आपको इसमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू.